अपने घर पर खेलते समय विषैले सर्प के डस लेने के बाद तबीयत बिगड़ने पर एक बालक को आज सुबह बयाना की राजकीय रेफरल अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक बालक हिंडौन थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी संजय जाटव का 10 वर्षीय पुत्र केशव बताया है। बालक के परिजनों ने बताया था कि इस बालक को बुधवार शाम को विषैले सर्प की डस लेने पर उसे उपचार के लिए तंत्र मंत्र फूंकने वाले ओझाओं व गठियाओं के यहां ले जाया गया, किंतु फिर भी तबीयत ठीक नहीं होने पर उसे आज सुबह बयाना के अस्पताल लाया गया, किंतु जब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने कहा कि अगर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ सर्प डसने जैसी घटना हो तो तुरंत उसे सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, जिससे उसकी जान बचाई जा सके, क्योंकि अस्पताल में सर्प के जहर के एंटीबायोटिक XXN हर समय मौजूद रहते हैं। फैसिलिटी जहाँ भी है वहाँ पे पहुँचोगे तो निश्चित रूप से ऐसी इमरजेंसी को बचाया जा सकता है, ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। सभी से निवेदन है कि विशेष ध्यान दें इस चीज पे कि टाइमली ही हॉस्पिटल पहुँचे। पूरी रात का पेशेंट था, एक्सपायर हो गया।